जय जगन्नाथ। ऑनरेबल वाइस चेयरमैन मैडम, मुझे इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक में बोलने के लिए मौका देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। 7 मिनट है। $4 ट्रिलियन इकोनॉमी तक तो हम पहुँच ही गए, फिर देखा जाए तो कितने मुश्किल से भी पहुँचे। रसिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो, कोविड के चलते आज हम यहाँ तक पहुँच गए। मेरे पूर्वज सारे वक्ता आंकड़े दिए, मुद्रास्फीति का और जीडीपी का, ग्रोथ का, सबका। वो आंकड़ा मैं नहीं देना चाहूँगी। मैं एक महिला हूँ। मैं जो गाँव में और जो रूरल एरिया में जो महिला बिलोंग्स करती है, सारे ये भारतवर्ष में मैं शायद उनके तरफ से जैसे मैं मुझे लगता है वही बोलना चाहूँगी, जो दिल से बोलूँगी। ये बात है कि मैं एक महिला हूँ। पहले मैं किचन से बात करूँगी, क्योंकि जीडीपी कितना भी बढ़ जाए, देश हमारा आगे बढ़ रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री को तहे दिल से शुक्रगुजार करूँगी कि हमारा देश बढ़ रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, भारत का नाम दुनिया में रोशन हो रहा है। मगर मैं फिर भी वही आऊँगी किचन में। मैं क्योंकि एक महिला हूँ, हम कहीं भी जाए मगर किचन में अगर एक गरीब की थाली में सब चीज़ ना हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अधूरा ही लगता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी ही खलती है। आज सबको कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो महंगाई के चलते गरीब की थाली में बहुत सारे चीज़ बहुत मुश्किल से आ रहा है। जिस दिन गरीब की थाली भरा हो जाएगा ना, उस दिन पूरा देश हंसेगा, उस दिन जीडीपी भी ग्रोथ होगा, जितना भी ग्रोथ होगा। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि एक पॉन्ड है जिसमें बड़ी मछली भी रहे और छोटी मछली भी रहे। ऐसा ना हो कि बड़ी मछली सारे छोटी मछलियों को निगल ले। ऐसा अर्थव्यवस्था होना चाहिए जैसे कॉरपोरेट सेक्टर भी ग्रो करे और छोटे से छोटे जैसे माइक्रो इकोनॉमिक भी बढ़े और माइक्रो इकोनॉमिक भी बढ़े। जैसे साधारण लोगों के पास हाथ में पैसा जाए तो ये पैसा देश में रहेगा। अगर एफडीआई इन्वेस्टमेंट आती है, ये बहुत अच्छी बात है। जिस बड़े से बड़े कॉरपोरेट हाउस के पास में जो पैसा रहेगा ना, वो ज़्यादातर पैसा विदेश में जाएगा। हम लोग हमारे देश के पैसा छोटे से छोटे जो लोग काम करते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए खर्चा करें। खासकर मैं एक बात बोलूँगी कि जब अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात आती है तो मैं महिलाओं को भी साथ में लूँगी, क्योंकि हमारे आबादी 50% से अधिक महिला है और महिला एम्प्लॉयमेंट, महिला वर्कर को कैसे काम करें इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहिए। जब आंकड़ा देता है कि 22% सिर्फ महिला है तो कैसे बढ़ाया जाए। मैं तो तहे दिल से शुक्रगुजार करूँगी मेरे माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी का, जो 7 लाख SHG बना के 70 लाख महिलाओं को काम दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। और उनके घर देखा जाए तो महिला के पास अगर कुछ पैसा हो तो वो बच्चे को अच्छे से रख सकती है, घर को अच्छे से संभाल सकती है। वो SHG आज SME में परिवर्तन हो चुका है। आज अगर देखा जाए चूल्हा चौके चलाने वाली महिला हमारे यहाँ पर लैपटॉप चलाती है और देखा जाए तो फ्लिपकार्ट में, अमेजन में बिजनेस भी करती है, एंटरप्रेन्योर भी बन चुकी है। इसके लिए मेरा गवर्नमेंट ने उनको इतना प्रोत्साहन दे रखा है कि कैसे मार्केट लिंकिंग किया जाए, अगर देखा जाए किस तरह से उन लोगों का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए। हमको मालूम है वो जो सारे महिला है ना, वो मिशन शक्ति के महिला है, वही हमारे नवीन उड़ीसा की मुख्य। मेरा टाइम कितना हो गया सर? 4 मिनट हुआ, मुझे 7 मिनट। सर रिक्वेस्ट है, many more years to come। हाँ, तो ये क्या हुआ ना, तो इन लोगों को ये मैं बोलूँगी कि ये जो नवीन उड़ीसा होता है ना, नवीन उड़ीसा, नवीन मतलब नया उड़ीसा के गठन के यही सब सारथी बनेंगे ये महिला। मैं चाहती हूँ कि महिला लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम में लिया जाए, महिला लोगों के लिए ज़्यादा स्कोप क्रिएट किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे में। और एक बात है, उड़ीसा जैसे मनरेगा के बारे में बात हो रहा था, मनरेगा में ज़्यादा से ज़्यादा काम भी लेना चाहिए। उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है, आपको भी मालूम है, नेचुरल कैलामिटीज़ बहुत होता है, डिजास्टर बहुत होता है। हम लोग हमेशा बार बार मांग करते हैं कि हमको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दीजिए, स्पेशल अगर नहीं हो सके तो स्पेशल फोकस स्टेट का स्टेटस दीजिए, जिससे सारे राज्यों का एक ही साथ में विकास हो। अगर देखा जाए तो जब माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उड़ीसा का शासनभार लिए थे तभी 11,108 करोड़ का बजट था। अभी हमारे मुख्यमंत्री का बजट, हमारे स्टेट का बजट 2,30,000 का है। अगर ये ऐसा चलता रहेगा तो आगे भी देश बढ़ेगा, सब भी बढ़ेंगे। मगर ये जो मैं बोल रही हूँ कि जो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जो काम है, जो स्किल का हो रहा है, उड़ीसा में जो स्किल सेंटर से जितने छोटे से छोटे बच्चे भी स्किल हो रहे हैं, उनके लिए ऐसा प्रावधान हो कि वो सारे जगह में जा सके, सारे जगह जाकर काम कर सके। और जब हम इकोनॉमिक के बात कर रहे हैं, 7.5 ट्रिलियन इकोनॉमिक के बात कर रहे हैं, तभी हम लोग कैसे करके रेलवे कनेक्टिविटी हो, नेट कनेक्टिविटी हो, बैंक कनेक्टिविटी हो। आज भी हमारे 8 जिला में रेलवे नहीं है। आज भी 74% नेट कनेक्टिविटी हमारे पास है, जबकि देखा जाए तो 85% नेशनल एवरेज है। आज भी हमारे पास 4,549 गाँव में नेट कनेक्टिविटी नहीं है, बैंक का कनेक्टिविटी भी नहीं है, बहुत सारे बैंक नहीं है। जब सरकार डीबीटी के बात करती है तो बैंक ना हो तो डीबीटी कैसा हो। मैं अभी बोलूँगी कि डीबीटी के बारे में जब बात करेंगे तो उड़ीसा ही पहला स्टेट है। जब 2007-8 फाइनेंशियल ईयर में नरेगा प्रोजेक्ट में गंजाम जिला मुख्यमंत्री के जिला में पहले जिलापाल V.K. पांडियन सर ने डीबीटी के पहले बार इंट्रोड्यूस किया था। ये है उड़ीसा जो मार्ग दिखाता है। इसके बाद में डीबीटी आया, मगर डीबीटी के लिए फिर बैंक का जरूरत होता है। मैं फिर भी बोलूँगी, आज भी सारे बैंक गाँव में बैंक के लिए माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आमो बैंक की तरह एक योजना खोली है, जो बैंक हमारे हर गांव में होगा। मैं अभी भी फिर भी बोलूंगी, हमारे ममता एक मिनट सर, मैं कंक्लूड कर, एक ममता स्कीम है हमारा, हम लोग चाहते हैं ममता, ये आपके बहुत करीब नाम है सर, मुझे पता है, थैंक यू सो मच। ये ममता योजना है जो हमारे सारे उड़ीसा के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए है, जो देखा जाए तो ड्रास्टिकली मातृमूत्रहार और शिशु मृत्यु MMR IMR कमाया। मैं अभी भी बोलूँगी, फार्मर्स इनकम कहीं डबल हुआ ना हुआ हो, हमारे पिछले 2 साल से हमारे यहाँ का फार्मर्स का डेवलप दुगनी इनकम भी हो रहा है। अगर ये सबको साथ में लेके अगर चलेंगे ना सारे स्टेट को, तो सारा दुनिया हंसेगा। ये मैं अभी भी बोलूँगी, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये हमारे हिंदुस्तान है ना, सबसे अच्छा है, सबको मिलजुल के रहना चाहिए, सबका एक ही साथ में अगर देखा जाए तो इक्वली डेवलपमेंट हो तो कहीं ना कहीं भारत भी हंसेगा, सबको ही हंसेगा। मैं इतना ही बोलूँगी। थैंक यू सो मच। वंदे उत्कल जननी, जय जगन्नाथ।